जय भीम के बिना शिक्षा के थी महिलाएं, जिंदगी में गमों की काली रात छाई थी। उस मनु की गंदी नीति ने ये महिला बड़ी सताई थी, और उस महिला को ना पढ़ने का ना लिखने का अधिकार दिया मनुस्मृति में, कि जिस महिला को ना पढ़ने का ना लिखने का अधिकार दिया मनुस्मृति में, उस महिला के हाथ में माँ सावित्री बाई ने कलम थमाई थी। माँ सावित्री बाई ने कलम थमाई थी। साथियों, आज 10 मार्च, जी हाँ, आज ही के दिन सन 1897 महाराष्ट्र के पुणे में माँ सावित्री बाई फूले, भारत देश की प्रथम महिला शिक्षिका, महिलाओं की आइडल, महिलाओं की आदर्श यथा त्याग समर्पण और बलिदान की प्रतिमूर्ति, त्याग समर्पण बलिदान की साक्षात देवी, जिन्होंने महिलाओं के जीवन में जो अंधियारा था उसको उजाले में बदल दिया, जिस महिला को शिक्षा से वंचित रखा गया, जिस महिला को सबके समान अपनी बात रखने से वंचित रखा गया, जिस महिलाओं को पशु से भी नीच बताया गया, उस महिला को जिंदगी, उस महिला को एक नई जिंदगी देने वाली माँ सावित्री बाई फूले। माँ सावित्री बाई फूले का बलिदान था साथियों कि जब इस देश में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो माँ सावित्री बाई फूले ने सोचा कि मैं महिलाओं को पढ़ाऊंगी, मैं महिलाओं की जो सदियों से उनको जंजीरों में झगड़ा गया, जो सदियों से पशुओं से उन्हें नीच बताया गया, एक पुस्तक के आधार पर मैं उन्हें बदलूंगी। और वो उन्होंने करके दिखाया। जब माँ सावित्रीबाई फूले बच्चियों को, महिलाओं को पढ़ाने जाया करती थी, जब उन्होंने ठान लिया था कि मुझे ये परिवर्तन करना है, मुझे महिलाओं को भी शिक्षित करना है, तो जब वो पढ़ाने जाया करती थी, तो साथियों एक साड़ी वो पहन कर जाती थी और एक साड़ी अपने बैग में रख कर लेके जाती थी। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग थे, जो उस गंदी नीति का समर्थन करने वाले लोग थे, जो महिलाओं को पशुओं से नीच समझते थे, जो हमेशा महिलाओं को पैर की चूती समझते थे, उन महिलाओं का जीवन बदलते हुए जो लोग नहीं देखना चाहते थे, वो लोग माँ सावित्रीबाई फूले पर कीचड़ फेंका करते थे। जब माँ सावित्रीबाई फूले बच्चियों को पढ़ाने जाया करती तो उन पर पत्थर मारा करते थे, उन पर गोबर फेंका करते थे। इसीलिए माँ सावित्रीबाई दो साड़ियाँ लेकर जाती थी, क्योंकि एक साड़ी रास्ते में खराब हो जाती थी, एक साड़ी वो वहां जाकर बदलती थी जहां वो बच्चे को पढ़ाने जाती थी। तो आज माँ सावित्रीबाई फूले को इस देश में रहने वाली तमाम नारियों को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर माँ सावित्रीबाई फूले नहीं होती तो आज IPS, IAS, डॉक्टर, जज, कलेक्टर, बैरिस्टर आप नहीं बन पाती। घरों में पशु से नीच बताकर जिस महिला को रखा जाता था, वो महिला कभी आसमान तक नहीं पहुंच पाती, वो महिला कभी चांद तक नहीं पहुंच पाती। ये देन है माँ सावित्रीबाई फूले की। तो आज ही के दिन 10 मार्च 1897 में महाराष्ट्र के पुणे में माँ सावित्रीबाई फूले हमारे बीच से हमें छोड़कर चली गई। तो यथा त्याग समर्पण बलिदान की प्रतिमूर्ति माँ सावित्रीबाई फूले की पुण्यतिथि पर उन्हें हमारा कोटि कोटि नमन, वो हमारी यादों में हमेशा मर रहेंगे। आप थी इसीलिए महिला आज मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी बड़े अच्छे से जी पा रही। आज आप थी तभी महिला शिक्षित हो पाई, वो IAS, IPS, PCS, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर बन पाई। तो महिलाओं से भी कहना चाहूँगा कि आप भी अपने आदर्श को, अपने मसीहा को पहचानिए कि कौन था जिन्होंने आपके लिए यथा त्याग समर्पण और बलिदान दिया। एक बार फिर से माँ सावित्रीबाई फूले की पुण्यतिथि पर उन्हें हमारा कोटि कोटि नमन, वो हमारी यादों में हमेशा अमर रहेंगे।